सैमसंग गैलेक्सी S23 वर्सेस आईफोन 14। तो यह सैमसंग गैलेक्सी S23 जो लॉन्च हुआ था 2 महीने पहले 80,000 के प्राइस पॉइंट पर, और यह है आईफोन 14 जो लॉन्च हुआ था सितंबर 2022 में 80,000 के ही प्राइस पॉइंट पर। लेकिन अभी आपको ये स्मार्टफोन 70,000 के आसपास मिल जाएगा। तो कौन सा स्मार्टफोन ज़्यादा बढ़िया है आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता चल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह की कंपैरिजन वीडियोस और डेली टेक न्यूज़ से आपको अपडेट रखता हूँ। तो चलिए फिर ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद ना करते हुए वीडियो को फटाफट से शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं दोनों ही स्मार्टफोन की फ्रंट और बैक से। जो सैमसंग गैलेक्सी S23 है इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन मिल जाती है फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों ही जगह। तो ये जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है ग्लास में। बात करें आईफोन 14 की तो इसमें आपको सेरेमिक शील्ड वाला ग्लास मिल जाता है, ये भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर बात करें फ्रेम्स की तो सैमसंग गैलेक्सी S23 में आपको मेटल का फ्रेम मिल जाता है, और ये जो एजेस है उन्हें काफी हद तक फ्लैट करने की कोशिश की गई है, लेकिन इसमें फिर भी थोड़े से राउंडेड एजेस आपको मिल जाते हैं। आईफोन 14 में आपको पूरी तरह से जो है फ्लैट एजेस मिलने वाले हैं। सैमसंग गैलेक्सी S23 का जो वेट है वो है 168 ग्राम, और आईफोन 14 का वेट है 172 ग्राम। तो दोनों ही स्मार्टफोन आपको IP68 रेटिंग के साथ मिल जाते हैं। दोनों स्मार्टफोन को अगर आप लोग पानी में डालते हो तो 30 मिनट तक दोनों ही स्मार्टफोन सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन जो आईफोन 14 है ये 6 मीटर तक डीप जा सकता है और 30 मिनट तक सर्वाइव कर सकता है। और जो सैमसंग गैलेक्सी S23 है इसे आप 30 मिनट तक पानी में डाल सकते हो लेकिन सिर्फ 1.6 मीटर डीप। बात करें सिक्योरिटी की तो सैमसंग गैलेक्सी S23 में आपको अल्ट्रासोनिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है, फेस आईडी देखने को मिल जाती है। अगर बात करें आईफोन 14 की तो इसमें आपको कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं मिलता, हाँ लेकिन इसमें फेस आईडी ज़रूर दी गई है। तो गाइस डिस्प्ले की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी S23 में आपको 6.1 इंचेस की डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। बात करें आईफोन 14 की तो इसमें आपको 6.1 इंचेस की सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले मिल जाती है, 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। ब्राइटनेस की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी S23 में आपको 1200 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है और 1750 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। वहीं अगर बात करें आईफोन 14 की तो इसमें आपको 800 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है और 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। बात करें नॉच की तो आईफोन 14 में आपको काफ़ी बड़ा नॉच मिल जाता है जो कि काफ़ी बड़ा माइनस पॉइंट है आईफोन 14 के लिए। वहीं अगर बात करें सैमसंग गैलेक्सी S23 की तो इसमें आपको कोई भी नॉच नहीं मिलता, सिर्फ एक पंच होल कैमरा मिलता है। प्रोसेसर की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी S23 में आपको 4nm पर बेस्ड क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 की चिपसेट देखने को मिल जाती है। वहीं अगर बात करें आईफोन 14 की तो इसमें आपको एप्पल की A15 बायोनिक चिप देखने को मिल जाती है जो 5nm पर बेस्ड है। सैमसंग गैलेक्सी S23 में आपको एंड्रॉयड 13 मिल जाता है, और बात करें आईफोन 14 की तो इसमें आपको iOS 16 मिल जाता है। सैमसंग गैलेक्सी S23 में आपको 4 साल के OS और 5 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे, और बात करें आईफोन 14 की तो इसमें आपको 5-6 साल तक सारे ही अपडेट्स मिलते रहेंगे। बात करें बैटरी की तो सैमसंग गैलेक्सी S23 में आपको 3900 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। बात करें आईफोन 14 की तो इसमें आपको 3279 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। दोनों ही स्मार्टफोन आपको लगभग एक दिन का आराम से बैटरी बैकअप दे देंगे, लेकिन अगर आप लोग गेमिंग करते हो तो आईफोन 14 जो है आपको 5-6 घंटे का बैटरी बैकअप दे देगा, और जो सैमसंग गैलेक्सी S23 है ये आपको 4-5 घंटे का बैटरी बैकअप देगा। डिपेंड करता है कि आप किस सेटिंग में गेमिंग कर रहे हो। बैटरी बैकअप के मामले में आईफोन थोड़ा ज़्यादा बढ़िया लगा है मुझे। दोनों ही स्मार्टफोन के कैमरास की बात कर लेते हैं। सैमसंग गैलेक्सी S23 में आपको 3 लेंस मिल जाते हैं, एक है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिल जाता है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा आपको इसमें देखने को मिल जाए। वो बात करें आईफोन 14 की तो इसमें आपको 2 लेंसेज मिल जाते हैं, दोनों ही 12 मेगापिक्सल के हैं। आप अपनी स्क्रीन पर कैमरा सैंपल्स देख ही सकते हो। जो आईफोन 14 है इसमें आपको काफ़ी नेचुरल फोटोज़ देखने को मिल जाएंगे, और जो सैमसंग गैलेक्सी S23 है इसमें आपको थोड़े से ओवर सैचुरेटेड इमेजेस देखने को मिलते हैं। तो अगर आप लोग वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हो या फिर फोटो एडिटिंग करते हो तो आईफोन 14 ज़्यादा सही है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 12-12 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरास मिल जाएंगे। अगर वीडियोज़ की बात करें तो आईफोन 14 में आप 4K तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 60 FPS पर, और सैमसंग गैलेक्सी S23 में आप 8K तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 24 और
30 FPS पर। आईफोन 14 में आपको क्रैश डिटेक्शन मिल जाता है अगर आप लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, और अगर आप लोग के पॉकेट में आईफोन 14 है तो ये इमरजेंसी सर्विसेज पर कॉल करता है और उन्हें आपकी लाइव लोकेशन सेंड कर देता है। तो आईफोन 14 में आपको सैटेलाइट कनेक्टिविटी मिल जाती है। फ़िलहाल ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है तो इस बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो आप लोगों को कौन सा स्मार्टफोन ज़्यादा ठीक लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। बाकी आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। किस मतलब पीछे देखने जाते ही तो काला दिख रहा है।